हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए आपके लिए एक नया टॉपिक्स जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। और इससे लास्ट वीडियो में हमने सातवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, 275 एनो डोमिनी टू 550 एनो डोमिनी तक था। या कह सकते हैं 275 एनो डोमिनी से या ईस्वी सन से 550 ईस्वी सन तक गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। और गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था कौन था? सूर्यगुप्त था। तो सूर्यगुप्त के बाद में जो रूलर बनता है या कह सकते हैं शासक बनता है वो कौन बनता है? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त विक्रमादित्य, और कुमारगुप्त विक्रमादित्य के बाद में स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद में जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर था या कह सकते हैं लास्ट जो रूलर था वो था पुरुगुप्त। तो यही इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं और इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 275 एनो डोमिनी टू 550 एनो डोमिनी। अगर गुप्ता डायनेस्टी है, इसको इस डायनेस्टी को इस या कह सकते हैं इस डायनेस्टी का जो पीरियड था उसको हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं गुप्त डायनेस्टी का जो पीरियड था वो गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता था। यह डायनेस्टी इमर्ज हुई थी, या कह सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज आफ्टर कुशाना डायनेस्टी, या कह सकते हैं इससे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी कुशाना डायनेस्टी। फाउंडर की बात करें, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, फाउंडर श्रीगुप्ता, फाउंडेशन फाउंडेड किया था 275 एनो डोमिनी में। श्रीगुप्ता के बाद में जो इसका सन था श्रीगुप्ता का, वो सक्सेसर बनता है जिसका नाम है घटोत्कच। सक्सेसर बनता है किसका? श्रीगुप्ता का। या कह सकते हैं सिरगुप्त के बाद का जो शासक था उसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच ने एक टाइटल ली थी, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराज। तो ये दो शासक थे, इनके बारे में हमें इतना ही देखना है कि फाउंडर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का? श्रीगुप्ता था। कब फाउंडेशन की थी? 275 एनो डोमिनी में। इसके बाद में जो इसका सन था जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। और घटोत्कच ने जो टाइटल अडॉप्ट की थी वो टाइटल थी महाराजा, या महाराज की टाइटल अडॉप्ट की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट रूलर जिसका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो नेक्स्ट रूलर, इसको आप राइट कर सकते अपने नोटबुक में, फाउंडर श्रीगुप्त, इसके बाद में इसका जो सन था घटोत्कच वो इसका सक्सेसर बनता है। और इन्होंने जो घटोत्कच है उन्होंने जो टाइटल ली थी वो ली थी महाराजा की टाइटल। अब नेक्स्ट जो रूलर्स हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें। चंद्रगुप्त किसका सक्सेसर था? चंद्रगुप्त सक्सेसर था घटोत्कच का, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त वाजदै
चंद्रगुप्ता फर्स्ट वॉज द सन एंड सक्सेसर सन एम सक्सेसर ऑफ घटोत घटोत्कच। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट सन भी था, पुत्र था, और सक्सेसर उत्तराधिकारी था किसका? घटोत्कच का। चंद्रगुप्त के बारे में और देखते हैं थोड़ा। तो चंद्रगुप्त या कह सकते हैं ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त ने जो टाइटल अडॉप्ट की थी वो टाइटल थी महाराजा धीराजा, या महाराजा धीराज की टाइटल अडॉप्ट की थी। और नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में जो हमारे सिलेबस में टेंथ के। ही मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, उससे विवाह किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी जो एक रिपब्लिकन स्टेट था जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लिच्छवी प्रिंसेस से शादी हुई इनकी चंद्रगुप्त फर्स्ट की। इसके अलावा उनके द्वारा एक और वर्क किया गया था, तो ही स्टार्टेड ए संवत, उनके द्वारा एक संवत चलाया गया था इन 390 एनो डोमिनी विच इज पॉपुलरली नोन एज गुप्ता संवत, पॉपुलरली नोन एज गुप्ता संवत। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा 319 एनो डोमिनी में एक संवत स्टार्ट किया गया, और उस संवत को जाना जाता है किसके नाम से? गुप्त संवत के नाम से, या गुप्ता संवत के नाम से। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इसका टाइम पीरियड और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो था 320 एनो डोमिनी टू 335 एनो डोमिनी। इस चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था उन्होंने रूल किया था 320 से 335 एनो डोमिनी तक। तो इसको आप नोटबुक में राइट कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट रूलर जिसका नाम है समुद्रगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी का सेकंड कह सकते हैं मोस्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में जो सेकंड रूलर था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता का जो टाइम पीरियड था, या कह सकते हैं कि उनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 335 एनो डोमिनी टू 380 एनो डोमिनी तक। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम पहले थोड़ा सा वैसे ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त एक बहुत ही पावरफुल रूलर था। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ के द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया था? क्योंकि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी में इंक्लूड था इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवादी
या कह सकते हैं साम्राज्य विस्तारवादी नीति, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कार्य किया। उनके द्वारा जो वोन रीजन्स थे उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे गंगा यमुना का रीजन्स, हिमालय रीजन्स, दक्कन का रीजन्स, विंध्याचल रीजन्स और शक और कुषाण स्टेट, ये उनके द्वारा वोन किए गए रीजन्स थे। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। इसी के साथ में अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो कॉइन्स सर्कुलेट किए गए थे उन कॉइन्स पर उनकी इमेज थी, वो भी हार्प को प्लेइंग करते हुए या कह सकते हैं वीणा बजाते हुए, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे, या कह सकते हैं वो लवर ऑफ म्यूजिक, या कह सकते हैं वो संगीत के प्रेमी थे। और समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि वो पोइट ऑफ पोइट्स थे, यानी कवियों के कवि, या कह सकते हैं कविराज थे। तो अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो दस समुद्रगुप्त वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का सन और सक्सेसर था, जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। इसके बाद में नेक्स्ट है विंसेंट स्मिथ कॉल्ड हिम नेपोलियन ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को एक टाइटल दी थी, या कह सकते हैं एक उपाधि दी थी, जिसका नाम था नेपोलियन ऑफ इंडिया। ही बिलीव्ड इन इम्पीरियलिज्म। उनका या कह सकते हैं उनकी जो नीति थी, या वो कौन सी नीति में विश्वास करते थे, इम्पीरियलिज्म की नीति में विश्वास करते थे, जिसका मतलब होता है साम्राज्य विस्तारवादी नीति। साम्राज्य विस्तारवादी नीति में ये विश्वास करते थे। द रीजन्स, अब साम्राज्य विस्तार कैसे किया इन्होंने, तो इनके द्वारा जो रीजन्स वोन किए गए थे इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो द रीजन वोन बाय समुद्रगुप्ता द रीजन वोन बाय समुद्रगुप्ता डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स। तो समुद्रगुप्ता के द्वारा जो रीजन वोन किए गए थे उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन कौन सा था, तो फर्स्ट रीजन था गंगा यमुना दोआब रीजन्स। तो गंगा यमुना दोआब रीजन फर्स्ट। सेकेंड रीजन था स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय रीजन थर्ड रीजन था विंध्या रीजन फोर्थ रीजन था ईस्टर्न दक्कन रीजन। फिफ्थ रीजन था कुषाणा एंड सक्का रीजन। तो ये रीजन्स थे जो समुद्रगुप्त के द्वारा वोन किए गए थे। अगर कौन कौन से रीजन थे, गंगा यमुना दोआब रीजन, स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, विंध्या रीजन, ईस्टर्न दक्कन रीजन, कुषाणा एंड
छक्का रीजन से। इसके बाद में बात करें, तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ही नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, कि समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए, कह सकते हैं समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए, उन युद्धों में या कह सकते हैं बैटल्स में समुद्रगुप्त कभी नहीं हारे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, या कह सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें उन्हीं के कोर्ट पोइट जिसका नाम था हरिसेन, तो हरिसेन के द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और अशोका का जो पिल्लर है उसी सेम पिल्लर पर उसको लिखा गया है कि उन्होंने कभी भी कोई भी युद्ध में उनकी कभी भी हार नहीं हुई। तो इसको आप राइट कर लें। तो इसके बाद में हम समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ही नेवर डिफिटेड इन एनी बैटल्स, कि उनकी कभी भी कोई भी युद्ध में हार नहीं हुई। ही नेवर डिफिटेड इन एनी बैटल्स हिज कोर्ट पोइट। अब उनका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था हिज कोर्ट पोइट हरिसेन, हिज कोर्ट पोइट हरिसेन हु ही इंस्क्राइब्ड हिज विक्ट्रीज Who inscribed his victories on same pillar of Ashoka's जिसका नाम था उस पिल्लर का इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो हिज कोर्ट पोएट हरिसेन हु इंस्क्राइब हिज विक्ट्रीज, उनके द्वारा जो भी विक्ट्री प्राप्त की गई, जो भी जीत उनको प्राप्त हुई, उनको उनके ही कोर्ट पोएट हरिसेन ने इंस्क्राइब किया है। कहाँ पर इंस्क्राइब किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति में, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो समुद्रगुप्त ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सॉरी लॉर्ड विष्णु। तो समुद्रगुप्त लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का उपासक था, या कह सकते हैं उनकी पूजा पूजा करता था या भक्ति करता था। ही पजेस्ट उनके पास एक बहुत ही, या कह सकते हैं ही पजेस्ट ए वेरी पावरफुल नेवी, उनके पास एक पावरफुल नेवी थी जिसके द्वारा उन्होंने जो समुद्री पार रीजन्स थे उनको भी जीता था। इसके अलावा बात करें ही वॉज द या ही वॉज स्किलफुल इन आर्ट्स, कला प्रेमी थे वो, स्किलफुल इन आर्ट्स थे। ही वॉज कॉल्ड
पोइट ऑफ पोइट्स, उनको पोइट ऑफ पोइट्स कहा गया था, जिसको कह सकते हैं कविराज, कवियों का राजा कविराज कहा गया था, पोइट ऑफ पोइट्स। ही इक्वली रेस्पेक्ट अदर रिलीजन, और वो सभी धर्मों को क्या करते थे, समान आदर देते थे। तो हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा, तो समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो 335 एनो डोमिनी से 380 एनो डोमिनी तक था। समुद्रगुप्त सन और सक्सेसर था किसका, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट था उसका सन और सक्सेसर था। समुद्रगुप्त के द्वारा कोई भी बैटल, यही क्या कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की किसी भी बैटल में डिफीट नहीं हुई, हार नहीं हुई। उनके द्वारा जो जीते गए रीजन्स थे उनको पांच भागों में बांटा गया है, गंगा यमुना दोआब रीजन्स, स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, विंध्या रीजन्स, ईस्टर्न डक्कन रीजन्स, कुशाणा एंड सक्का रीजन्स। इसी के अलावा उनकी जो नीति थी वो क्या थी, इंपीरियलिज्म, क्या कह सकते हैं साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, वो साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखते थे, इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। और उनका जो कोर्ट पोइट था जिसका नाम था हरिसेन, उन्होंने उनकी विक्ट्रीज को इंस्क्राइब किया है कहाँ पर, इलाहाबाद प्रशस्ति, या कह सकते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा रिटर्न है, तो कह सकते हैं हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन था, द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही पजेस्ट ए वेरी पावरफुल नेवी, ही वॉज स्किलफुल ऑन आर्ट्स, ही वॉज कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइट्स, जिसको कह सकते हैं कवि राजा या कविराज। ही इक्वली रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने देखा, अब जो नेक्स्ट रूलर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम था चंद्रगुप्ता तो जो नेक्स्ट रूलर था इसका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड का जो टाइम पीरियड था वो था 380 एनो डोमिनी टू 414 एनो डोमिनी। तो ये था चंद्रगुप्त सेकेंड का टाइम पीरियड। चंद्रगुप्त सेकेंड किसका सक्सेसर था, चंद्रगुप्त सेकेंड सक्सेसर था समुद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकेंड को टाइटल्स भी दी गई थी, जैसे देवराज, देवगुप्त और विक्रमादित्य की जो टाइटल्स थी वो भी चंद्रगुप्त सेकेंड ने अडॉप्ट की थी। चंद्रगुप्त सेकेंड ने मैरिज एलियंस परफॉर्म किया था, यह कह सकते हैं जो वैवाहिक संबंध थे वो स्थापित किए थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। उन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती, उसकी शादी वाकटक किंग के साथ करवाई। वाकटक एक स्टेट था, कहाँ पर था, गुजरात में था। तो वाकटक किंग के साथ उन्होंने अपनी पुत्री की विवाह करवाई, लेकिन कुछ समय बाद में उनका जो पति था, या कह सकते हैं उनकी पुत्री का जो पति था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार चंद्रगुप्त सेकेंड वहां पर क्या कर लेते हैं, अपना इनडायरेक्ट रूल कर लेते हैं। इसी के साथ में मालवा और जो गुजरात रीजन्स है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट की थी, उसमें फर्स्ट रूलर था जैसे श्रीगुप्ता का पुत्र या सन था घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में जो गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, या कह सकते हैं अराउंड द रीजन्स ऑफ मॉडर्न पटना, पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना बिहार। तो उस समय का जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय जो साम्राज्य था गुप्ता डायनेस्टी का वो अराउंड पटना रीजन ही था। उसके बाद में समुद्रगुप्त ने उसे इंपीरियलिज्म के द्वारा या साम्राज्य विस्तार नीति के द्वारा समुद्रगुप्त में उस एम्पायर में
और भी रीजन्स को ऐड किया, जैसे अभी मैंने बताया था गंगा यमुना रीजन को ऐड किया, ईस्टर्न हिमालय रीजन को ऐड किया, कुषाण शक रीजन को ऐड किया, दक्कन रीजन को ऐड किया, इसी प्रकार वो साम्राज्य बढ़ जाता है या उसका विस्तार हो जाता है। और इसी के बाद में जो रूलर आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड में मालवा और गुजरात रीजन पर अपना ऑक्यूपेंसी करता है और इस प्रकार जो साम्राज्य है वो विस्तार होता रहता है। तो चलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड पे। टाइम पीरियड 380 AD-412-414 AD। तो चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता। सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता, हिज अदर नेम वॉज देवगुप्त देवराजा या देवराज एंड विक्रमा दित्य। तो समुद्रगुप्त के जो अनदर नेम या अदर नेम मिलते हैं वो देवगुप्त भी हैं, देवराज भी हैं और विक्रमादित्य भी हैं। ये चंद्रगुप्त सेकंड के अदर नेम थे। ही परफॉर्म्ड मैरिज एलियंस तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। इसके अलावा ही गॉट हिज डॉटर जिसका नाम था प्रभावती, प्रभावती, तो ही गॉट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वाक्तक किंग रुद्रसेन, वाक्टक किंग रुद्रसेन एंड ही इनडायरेक्ट रूल या कह सकते हैं ही रूल्ड इनडायरेक्टली अपॉन वाक्टक। तो मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती का विवाह है वाक्टक किंग रुद्रसेन के साथ किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद में रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और जब रुद्रसेन की मृत्यु होती है तो उनका जो पुत्र था वो उसकी एज बहुत ही कम होती है, इसीलिए वहाँ पर इनडायरेक्टली रूल किसका हो जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड का इनडायरेक्टली रूल हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं ही आल्सो ऑक्यूपाइड मालवा एंड गुजरात तो मालवा और गुजरात रीजन्स हैं उस पर अधिकार कर लेता है चंद्रगुप्त सेकंड। एंड आफ्टर विक्ट्री ऑन सका, सक एक फॉरेन ट्राइब थी,
और शकों का रूल हो जाता है सातवाहन डायनेस्टी के समय में भारत में, या शकों का रूल हो जाता है क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी का जो वीक रूलर्स थे उन पर वो आक्रमण करते हैं, वो इस प्रकार यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो जैसे गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकेंड का सामना हुआ किससे, शकों से, और शकों पर चंद्रगुप्त सेकेंड क्या कर लेता है, विक्ट्री गेन कर लेता है, या कह सकते हैं जीत प्राप्त कर लेता है। तो आफ्टर विक्ट्री ऑन शका ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की टाइटल गेन कब करता है चंद्रगुप्त सेकेंड, जब वह चंद्रगुप्त सेकेंड शकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यह था चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में डिस्कस किया हमने। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त, हिज अदर नेम वॉज देवगुप्त देवराज एंड विक्रमादित्य, ही परफॉर्म्ड मैरिज एलियंस, ही गोट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वाक्टक किंग रुद्रसेन एंड ही रूल्ड इनडायरेक्टली अपॉन वाक्टक, ही आल्सो ऑक्यूपाइड मालवा एंड गुजरात, आफ्टर विक्ट्री ऑन सकास ही अडोप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है चंद्रगुप्त सेकेंड की, कि ही मेड उज्जैन, उज्जैन जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो ही मेड उज्जैन एज हिज सेकेंड कैपिटल। तो फर्स्ट कैपिटल की बात करें तो कौन सी थी फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल थी पाटलिपुत्र, गुप्ता डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्र थी। सेकेंड कैपिटल क्या कौन सी थी, उज्जैन, जिसको एस्टेब्लिश किसने किया, चंद्रगुप्त सेकेंड ने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, उसका नाम था कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। तो इसको आप राइट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में, और जो पावरफुल रूलर्स हैं गुप्ता डायनेस्टी के उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, उसके बाद में समुद्रगुप्त के बारे में, और अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य, कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात कर लें तो कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य का जो टाइम पीरियड था वो था 414 टू 455 एनो डोमिनी, ये टाइम पीरियड था कुमार गुप्त महेंद्रादित्य का। बात करें सबसे पहले कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, तो ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड का यह सन और सक्सेसर था। इसी के अलावा बात करें हिज किंगडम His kingdom extended from Saurashtra to Bengal। तो अगर बात करें वेस्ट की तो वेस्ट में जो ये किंगडम था वो सौराष्ट्र से लेकर ईस्ट में बंगाल तक विस्तृत था। किसका किंगडम, कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य का। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा
यूनिवर्सिटी, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है या एस्टेब्लाइज्ड है? बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य के बारे में। तो कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। हिज किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये आप राइट कर लें। नेक्स्ट जो रूलर है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसका नाम था स्कंद गुप्ता। तो नेक्स्ट रूलर है इस डायनेस्टी का स्कंद गुप्ता। अब स्कंद गुप्ता का जो टाइम पीरियड था 455 एनो डोमिनी टू 467 एनो डोमिनी। तो ये स्कंद गुप्ता का टाइम पीरियड था। स्कंद गुप्ता की बात करें तो कुमार गुप्त के बाद में जो रूलर बनता है वो कौन था? स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त जिसका टाइम पीरियड था 455 एनो डोमिनी टू 467 एनो डोमिनी। जूनागढ़ एक रॉक एडिक्ट है जिसका नाम है जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, या कह सकते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ जो रॉक एडिक्ट है, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जो कहाँ पर है? गुजरात में है जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। इस एडिक्ट में बताया गया था या बताया गया है कि स्कंद गुप्त ने क्या किया था। एक लेक थी, झील थी, जिसका नाम था सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक का जो रिनोवेशन करवाया गया था, पुनरुद्धार करवाया गया था, वो किसके द्वारा किया गया? करवाया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। और सुदर्शन लेक की बात करें कि उसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था मौर्यों के द्वारा, या मौर्य के द्वारा। तो मौर्यों के द्वारा तो सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया गया था, जबकि उसका रिनोवेशन करवाया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, ही वॉज द सन, ही वॉज द सक्सेसर, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता का सक्सेसर था स्कंदगुप्त। इसके बाद में भाई जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से, या जूनागढ़ रॉक एडिक्ट के द्वारा इट इज जूनागढ़ बाई जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से इट इज नॉन दैट स्कंद गुप्ता रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक तो सुदर्शन लेक का रिनोवेशन किसने करवाया? स्कंद गुप्ता ने। और बिल्ट किसके द्वारा थी? तो बिल्ट बाई मौर्यास। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो लेक्चर में गुप्ता डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया है, उनके बारे में पढ़ा है।
जिसका नाम था श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कल्चरल सोसाइटी, कल्चर गुप्ता डायनेस्टी की जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।